नमस्ते दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। आपको बताना है कि 0.1 मोल ऑफ ईच का मास क्या होगा। ठीक है, एक एक करके लेते हैं हम लोग। सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट का ग्राम मॉलिक्यूलर मास देख लेते हैं, 40। अगर किसी भी मॉलिक्यूल का या कंपाउंड का एटम्स का आपको ग्राम एटॉमिक वेट्स पता है तो आप उस मॉलिक्यूल या कंपाउंड का ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। तो कैल्शियम का कितना है, 40 ग्राम, 12 ग्राम और तीन ऑक्सीजन एटम, एक एक का कितना होता है, 16 ग्राम। टोटल मिलाकर कितना आया, 52 और 48 ग्राम होता है 100 ग्राम। तो कैल्शियम का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है, 100 ग्राम है। तो हम लोग एवोगैड्रो लॉ से बोल सकते हैं कि 1 मोल CaCO3 का कितना वे करेगा, 100 ग्राम वे करेगा। तो 0.1 मोल CaCO3 का कितना वे करेगा, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 100 ग्राम, जो कि कितना होता है, 10 ग्राम CaCO3 का। तो CaCO3 का 0.1 मोल का मास निकल गया है 10 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है आपका सोडियम सल्फेट विथ 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सबसे पहले Na2SO4 10H2O, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। दो सोडियम जिसका 23 ग्राम होता है प्लस एक सल्फर जिसका 32 ग्राम होता है प्लस 4 ऑक्सीजन जिसका 16 ग्राम होता है प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 हाइड्रोजन जिसका 1 ग्राम होता है प्लस 1 ऑक्सीजन जिसका 16 ग्राम होता है। ये हो गया आपका 46, ये हो गया 32, ये हो गया 64 और ये कितना हो गया, 10 और ये आपका 16 plus 2 18 180। ठीक है, ये आपका कितना आया, 4 2 6 6 6 12 6 3 9 9 4 13 और एक बचा हुआ है 14 142 ग्राम और वाटर का आया 180 ग्राम, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का। टोटल आपका कितना आ जाएगा, 2 2 0 2 8 और 4 12 12 का 2 इधर, एक बचा हुआ है 1 plus 1 2 और एक और बचा हुआ है 322 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट विथ इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम लोगों को मिला है। देयरफॉर हम लोग फिर से बोल सकते हैं इसका 1 मोल 322 ग्राम का होगा, तो इसका 0.1 मोल कितने ग्राम का होगा, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 322 ग्राम, जो कि होता है 32.2 ग्राम। ठीक है, तो सेकेंड वाले का वाटर क्रिस्टलाइजेशन के साथ सोडियम सल्फेट का 0.1 मोल का वेट आया है 32.2 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपका है कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो निकालते हैं। कैल्शियम का 40 ग्राम है ग्राम एटॉमिक मास और दो क्लोरीन का जिसका ग्राम एटॉमिक मास होता है 35.5, ये आपका कितना आएगा, 40 ग्राम प्लस 71 ग्राम। ठीक है, तो 0 plus 1 1 7 plus 4 111 ग्राम। तो हम लोग फिर से बोल सकते हैं कि 1 मोल
कैल्शियम क्लोराइड का मास होना चाहिए उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर 111 ग्राम. देयरफॉर 0.1 मोल CaCl2 का मास हो गया 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 111 ग्राम, तो कितना होगा 11.1 ग्राम. 0.1 मोल कैल्शियम क्लोराइड का आपका मास निकला है 11.1 ग्राम. ठीक है जी. अब हम लोग आखिर वाला देखते हैं, मैग्नीशियम. मैग्नीशियम जो कि एटम है यहां पर, उसका एटॉमिक ग्राम एटॉमिक मास कितना है, तो हम लोगों को पता है 24 ग्राम है. देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि 1 मोल मैग्नीशियम इसका मतलब है 24 ग्राम वे करता होगा. तो यूनिटरी मेथड से 0.1 मोल मैग्नीशियम कितना वे करने लगेगा, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 24 ग्राम विच इज एक्चुअली इक्वल्स टू 2.4 ग्राम मैग्नीशियम. ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया है, 0.1 मोल ईच ऑफ का एक्चुअल मासेस ग्राम में कैलकुलेट कर लिया. थैंक यू.